आज फिर एक बार हम अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर, आज हमारा तीसरा चौथा दिन यहाँ पर है और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथी, मेरे बड़े भाई श्री अरुण शर्मा जी, जो कि 40 साल से निरंतर पत्रकारिता में जूझ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और बखूबी से अपने धर्म को निभा रहे हैं। तो आज हम 2-3 दिन इनके साथ इस यात्रा पर निकले कि अरुणाचल प्रदेश को लोग बहुत खूबसूरत बोलते हैं, जो भी वहां से घूम के आता है कहता है बहुत अच्छा है, बहुत तारीफ करता है ग्रीनरी की, हरियाली की, यहाँ के माहौल की, यहाँ के पर्यावरण की, बहुत अच्छी बातें करता। तो इसी कड़ी में श्री बड़े भाई श्री अरुण शर्मा जी, श्री अनिल मिश्रा जी, जो हमारे इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, और मैं इनके साथ घूमने आया। तो 3 या 4 दिन में जैसा लोगों ने कहा था उससे बढ़कर ही हमने यहां पर पाया। तो मैं अपने साथी श्री बड़े भाई अरुण शर्मा जी से ये पूछना चाहूंगा कि जो 3 दिन की आपने टोटल अरुणाचल की जो यात्रा करी और आज हम इस जीरो में हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया वैली है और यहां पर 3-4 तरह की जो आर्टिफिशियल लेक, जो बरसाती लेक बनाई गई है, तो आपको क्या लगता है कि जो ये अरुणाचल की खूबसूरती है ये किस वजह से इतना अच्छा है, किस वजह से यहाँ का प्राकृतिक संतुलन जो है बरकरार है और यहाँ पर जो खूबसूरती होती है क्यों हमारा मन मोहती है? देखो राकेश, ये है कि अरुणाचल में एक तो बारिश बहुत होती है और उसकी वजह से हरियाली बहुत ज्यादा है और अरुणाचल प्रदेश का 70% से ज्यादा हिस्सा जंगल है। और हमको जो देखने में आया वो ये आ रहा है कि लोग जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं वो जंगलों को प्रोटेक्ट करते हैं और निश्चित तौर पर जो हिंदुस्तान में जो वन विभाग के अधिनियम है, कानून है, वो यहाँ भी लागू होते होंगे, लेकिन लोगों का अपने जंगलों के प्रति प्रेम और स्नेह देखना अगर हो पूरे हिंदुस्तान में तो यहाँ आना चाहिए कि किस तरह उन्होंने अपने जंगलों को बचाए रखा है। और दूसरी चीज, ये जो जहां हम बैठे हैं जीरो में और ये लेक है, ये सीख लेक है, अगर हम उधर देखें, और इसकी फ्यूचर प्लानिंग भी उन्होंने उस बोर्ड में बताई है कि किस तरह इसको डेवलप करेंगे। और निश्चित तौर पर अगर चीजें डेवलप होती है, आज तो जो प्रकृति ने दिया है वो है, प्रकृति ने जो दिया है वो है, लेकिन अगर चीजें डेवलप होती है तो भविष्य में ये टूरिस्ट प्लेस जो है ये और बढ़िया तरीके से निखर के सामने आएगा। सड़कें थोड़ा ठीक होनी चाहिए जो अभी तक हमें दिखी नहीं, मेन रोड को छोड़ के जो लिंक रोड है जितनी भी इधर उधर की वो कच्ची है या हो सकता है कि वो बरसात की वजह से अक्सर खराब होती है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, लेकिन व्यू प्वाइंट जितने भी बने हैं इस वैली के अंदर, हाँ मुझे तो याद है कि हम उत्तराखंड के हैं तो ये अक्सर मुझे बागेश्वर जैसा लगता है या हम कहें द्वारा जैसा लगता है, जो एक कटोरे नुमा है, चारों तरफ पहाड़ है और बीच में एक वैली है और उसी तरह ये दिखता है। और जंगल बहुत बढ़िया है, मस्त जंगल है, व्यू बहुत बढ़िया, सीनेरिक ब्यूटी है और आप नंगी आंखों से कितनी भी देर बैठ के निहार लें इस खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। परिचर्चा को आपने कहा ज्यादा लंबा ना करते हुए, फिर भी मैं एक और आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि कल आपने जिस तरह से पैडी की खेती देखी, जिसको बोलते हैं कि हेरिटेज के लिस्ट में जो है लगा दिया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज में डाला गया है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? आश्चर्य है अपने आप में कि यहाँ धान और मछली एक साथ उगाई जाती है, मैं उगाना ही कहूंगा क्योंकि जब वो धान उगाने का मौसम होता है तो निश्चित तौर पे खेतों में पानी भरा जाता है और उस पानी के साथ साथ मछली के बीज भी डाले जाते हैं, जिससे वो भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का पॉइंट बन जाता है कि हम मतलब हम ये देखें कि मछली और धान एक साथ कैसे उग रहे हैं। वो निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत अद्भुत अनुभव है उसे देखना और महसूस करना। और ये देखिए यहाँ के लोगों ने, क्योंकि निश्चित तौर पर पहाड़ी इलाका है नॉर्थ ईस्ट का और यहाँ आम तौर पर नॉनवेज ज्यादा खाया जाता है, मछली ज्यादा खाई जाती है, मुर्गा ज्यादा खाया जाता है या और तरह के जानवर खाए जाते हैं, तो हम ये देखें कि वो साथ साथ मछली को उगाना और क्योंकि वो अपने लिए उगा रहे हैं, बेचने के लिए उगा रहे हैं और उसको फिर वो मार्केटिंग करते हैं तो उससे उनकी आय भी बढ़ती है। तो दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक तो धान से आय हो रही है, एक मछली से आय हो रही है और ये बहुत बढ़िया है। ट्रेडिशनल चीजें मिलती हैं देखने के लिए तो उसकी ट्रेडिशनल वैल्यू भी बढ़ जाती है। अपने प्रदेश के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे ये सब देखते हुए? हाँ, मुझे तो ये लगता है कि हमारा प्रदेश इससे ज्यादा डेवलप है अगर हम इन इलाकों को गौर करें कि जैसे हमारे हिल स्टेशन है, रानी खेत है, मसूरी है, नैनीताल है, या उधर चले जाएं कौसानी वगैरह देख लें तो निश्चित तौर पर वहां सड़कें वगैरह ज्यादा है लेकिन वहां कंक्रीट का स्ट्रक्चर बहुत बहुत तेजी से जो फैला है वो उस खूबसूरती पे ग्रहण लगाता है। सॉरी, हमें वो प्लानिंग भी बनानी होगी कि किस तरह एक नियोजित तरीके से शहरों को डेवलप किया जाए।
अगर वो अनप्लैंड वे में डेवलप होंगे तो निश्चित तौर में भविष्य के लिए वो खतरा बनेंगे, जैसे जोशीमठ बन रहा है। जोशीमठ में इतनी ज्यादा आबादी हो गई थी कि वहां जमीन की जो शक्ति थी, उसको भार क्षमता थी, वो खत्म हो गई, जिससे वहां दरारें पड़ गई और लोगों को आज विस्थापन का दंश झेलना पड़ रहा है। तो वही स्थिति यहां हमने ये देखा है कि यहां क्योंकि ये अरुणाचल का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इसलिए लोगों ने अपने घर दूर दूर बनाए हुए हैं। बस्तियां हैं लेकिन उसके साथ साथ उनके खेत भी हैं, उनके जंगल भी हैं, उन जंगलों को प्रोटेक्ट भी वो करते हैं। पहाड़ के पहाड़ यहाँ के स्थानीय निवासियों के होते हैं, वो उससे मिट्टी भी निकाल रहे हैं, रेत भी निकाल रहे हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ वो उनको अधिकार मिले हुए हैं जो हमारे यहाँ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस परिचर्चा में शामिल होने का। तो मैं चाहूंगा जो हमारे पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री अरुण शर्मा जी ने जो सुझाव दिए हैं कि हम भी अगर वहां पर कंक्रीट के जंगल ना उगा करके फैब्रिकेशंस के जो घर हैं या होटल्स हैं या जो भी व्यवसायिक अगर हम वहां बनाते हैं तो जो हमारा पर्यावरण है वो और संतुलित रहेगा, थोड़ा हरियाली हमारे यहाँ और बढ़ेगी। इसी के साथ इस परिचर्चा को आज के लिए समाप्त करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।